सब्सक्राइब करते हुए घंटा जरूर बजाइए, क्योंकि जब मेरा नया वीडियो आए तब आपके भी फोन की घंटी बजे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल ये रूम भरे डिजिटल। मैं हूँ भावना और इस वक्त मैं हूँ बहुत ही सुंदर पुष्कर में। पुष्कर की सबसे बड़ी खासियत है पुष्कर लेक, और जहाँ पर हम ठहरे हैं होटल में वहीं नीचे रेस्टोरेंट है, एंड द रेस्टोरेंट इज अ लेक व्यू, ब्यूटिफुल रेस्टोरेंट। हाँ जी भैया, पुष्कर की खासियत बताइए। पुष्कर की खासियत मैम, हमारे यहाँ पे ब्रह्मा टेम्पल है और ब्रह्मा जी ने यहाँ जन्म लिया है इसी घाट में, पुष्कर सरोवर में, इसलिए पुष्कर फेमस है। अच्छा, पुष्कर मेला कब कब लगता है? नवंबर में लगता है और वो 15 दिन के लिए लगता है, और जिसके अंदर 5 दिन तो अपने रहते हैं मतलब लोगों के लिए होता है, और 10 दिन होता है एनिमल्स मतलब ऊँट घोड़े सब कुछ, जितने भी जानवर है वो यहाँ पे लाते हैं, लोग उनको बेचते हैं, नए लेते हैं, पुराने बेचते हैं, वो उनके करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इंडियन लोग ज़्यादा आते हैं या फॉरेनर्स ज़्यादा पसंद करते हैं? इंडियन भी पसंद करते हैं, फॉरेनर भी पसंद करते हैं, लेकिन फॉरेनर्स थोड़े ज़्यादा है बस। तो उनके लिए क्या है यहाँ पर उनके लिए, उनको क्या अट्रैक्ट करता है पुष्कर आने को? काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे आके बिजनेस करते हैं, जैसे कि कपड़े का बिजनेस है, हमारे यहाँ पे ज्वेलरी सस्ती मिलती है उनका बिजनेस करते हैं, और यहाँ पे हम उनको अच्छी एनर्जी देते हैं, यहाँ के लोग अच्छे हैं इसलिए वो वापस आते हैं, मतलब कोई भी कस्टमर हो वो हमेशा दोबारा आता है। अच्छा, ये घाटों पे भी बहुत सारी चीज़ों एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे मृदंग? यहाँ पे आरतियाँ होती है मैम। आरती होती है, मृदंग सिखाते हैं कोई? मृदंग नहीं, यहाँ पे ढोलक सिखाते हैं। हाँ, क्या नगाड़ा सर, नगाड़ा सिखाते हैं, और फॉरेनर्स लोग यहाँ पे मनोरंजन करते हैं सनसेट पे। अच्छा, सनसेट पॉइंट कहाँ पर है? सनसेट पॉइंट वो सनसेट होटल सनसेट है उसके पास नीचे, ये अच्छा, जो This is my wonderful lunch for today. So if you are in Pushkar, the place to come and eat food is Radhika Cafe. अगर आपको अच्छा खाना तो मिलेगा ही, साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन लेक व्यू भी मिलेगा। सो कीप वॉचिंग मोर स्टोरीज फ्रॉम पुष्कर कमिंग योर वे।